चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के लोगों का आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। करनाल विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने करनाल के लोगों का आभार जताया। विधायक दल और मंत्रियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने झूठ के दम पर चुनाव जीतने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, बल्कि कांग्रेस ने संविधान को भी अपमानित करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अंबेडकर को सम्मान दिया और मुख्यमंत्री ने साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के काम को गिनाया। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का वोट प्रतिशत है और आज भी हमारे पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी, आगे भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कैसे पात्र को लाभ पहुंचाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष मुख्यमंत्री के आरोपों का क्या जवाब देता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।